नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव नगर के नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उनका ट्रामा सेंटर परिवार ने स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि कैथ लैब में आजमगढ़ जनपद का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों के लिए एक नई सुविधा होगी, जिसके लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता था और नाना प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वही समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामना दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार से मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जनसैलाब उमड़ा है, वह तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया। इसलिए सरकार को आईना दिखाने के लिए वे आज लैपटॉप बांट रहे हैं और आगे भी भविष्य में बांटेंगे। कार्यक्रम के अवसर पर शहर की गणमान्य नागरिक, डॉक्टर व सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी। सभी का स्वागत पूर्वांचल के जाने माने अधिवक्ता और रमा ट्रामा सेंटर के मालिक शत्रुघ्न सिंह ने किया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर अमित सिंह व सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और डाटा भी फ्री देंगे और कई संस्थानों को वाईफाई करेंगे। आज मैं जानना चाहता हूँ, 4.5 साल बाद ये लैपटॉप बांट करके मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हें कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे भी थे, आज भी बांट रहे हैं, और समय जब समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो उस समय फिर अच्छे बच्चों को जो पढ़ाई में आगे उन्हें लैपटॉप बांटेंगे। सर, आपके और जो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे 4 साल पहले, वो आज भी चल रहे होंगे। दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो, जो अच्छी कंपनियों उस कंपनियों का माना जाता है। भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, अगली बार नहीं पा पाएंगे। अगली बार चिन्हित करके कि भाजपा ही है तो नहीं पा पाएंगे। सर, आपके परिजनों, लेकिन भाजपा पा तो जरूर गई है, लेकिन जब भी ऑन करते होंगे मोबाइल में तो सबसे पहले नेताजी को प्रणाम करते होंगे। सर, कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा था और ऑक्सीजन बहुत लोगों को जिंदगी दिया, जहाँ की पूरा हाहाकार मचा था। क्या आप सरकार में आने के बाद इस हॉस्पिटल पे कुछ फंड देंगे और प्लांट के लिए? रमा ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर साहब और वकील साहब सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्था को ये बढ़ाना चाहते हैं, इस संस्था को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसमें जो सहयोग चाहेंगे वो मैं सहयोग करूँगा। सर आपके जितने परियोजनाएं थे यहाँ पे, सबको रोक दिया गया और निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जैसे कला भवन था, बंद कर दिया गया, काम नहीं हो रहा सर उसका। आप गाँव में भूल रहा हूँ नाम, जहाँ बहुत कलाकार रहते हैं, क्या हरियरपुर के लोग जानते होंगे कि कितनी हम लोग कलाकारों की मदद कर रहे थे और कई सेंटर्स बन रहे थे यहाँ पे, और हमें मौका मिलता तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो अपनी परंपरागत जो चीज़ें, उनको भी बढ़ाने के लिए हम मौका देते। लेकिन अब ये सरकार है, ऐसी सरकार है जो काम रोकती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। और आप पत्रकार साथी, आप जानते होंगे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था। अलाइनमेंट बनाना, ज़मीन को ले लेना और इसके टेंडर करना, ये सब समाजवादियों ने किए और आज भी अच्छा नहीं बना पा रही है। तो इसलिए इन्होंने काम रोका है, समय आएगा तो पुनः वो काम जो रुक गए हैं उनको शुरू करेंगे। और अच्छा काम क्या कर सकते हैं आजमगढ़ के लिए, हम तो आपसे भी कहेंगे कि आजमगढ़ के लोग हमें सुझाव भी दें, जो उनके अगर सुझाव अच्छे होंगे तो उनको विकास में कैसे शामिल कर सकें, उस दिशा में भी पार्टी काम करें। सर, 12 से 17 में आपकी सरकार थी, विकास के बहुत सारे काम हुए आजमगढ़ में और तमाम जनपदों में। 17 में फिर सर आपकी पार्टी बुरी तरह से हारी, चुनाव हारी, ऐसा क्या कारण रहा जो आप काम करने के बावजूद जनता को बता नहीं सके और 22 में वो बताएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया, ये मान लो। भारतीय जनता पार्टी का झूठ इसलिए पकड़ा गया कि नोटबंदी से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन जो वापस आना था वो आया, और बल्कि उल्टा हुआ है कि लोग दहशत से अपने परिवार की खुशहाली की वजह से भारत के लोग भारत छोड़ के चले गए और अपना पैसा लेके चले गए, बैंकें डूब गईं, अर्थव्यवस्था डूब गई, GST से व्यापार खत्म हो गया, और GST बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए लागू किया, छोटे कारोबारों के लिए नहीं GST था, और इधर खेती बर्बाद हो गई। कोरोना ने जैसे दिन दिखाए हैं,
मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी थी सरकार की कि गरीबों की मदद करें, और उस समय गरीबों को अनाज छोड़ दिया, तो ये सब सरकार का देख लिया। और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे 600 से ज़्यादा और लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है। सर 2017 में आपका एक नारा होता था, काम बोलता है, क्या चूक रही कि 2017 में? आज आपके यहाँ अखिलेश जी आए थे, क्या उद्घाटन रहा होता है? आज रमा हॉस्पिटल परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हमारे पास हॉस्पिटल में आए और उन्होंने हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था को देखा। और जो कैथ लैब हमने लगाया हुआ है, ये पूरे मंडल का पहला कैथ लैब है। अभी तक हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर लगवाने के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के मरीजों के लिए। अब जब तक आदमी बनारस लखनऊ पहुँचता था, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जनपद में होने का ये फ़ायदा ये है कि आदमी को तुरंत इलाज मिल जाएगा और बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगे। वो आए और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आगे हम और नई नई सुविधाएं इस अस्पताल में लाएं और कुछ बड़ा करने की और शहर के लिए करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं जितनी आपको सपोर्ट कर सकता हूं मैं करूंगा, ताकि ये अस्पताल आगे बढ़े और आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप गरीबों की मदद करें। सर आपको कैसा लग रहा है कि आज आपके यहाँ ये बहुत ही हम लोग के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है, हमारे पूरे परिवार के लिए। ये हमारे लिए बहुत इज्जत सम्मान की बात है कि सर से हम लोगों ने बोला था कि सर हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है रमा हॉस्पिटल, अगर आप सर अपना समय दे देंगे कीमती तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने खुशी खुशी अपना समय दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा। और रमा हॉस्पिटल परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कि हमारे लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला।